आज हम थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे हिस्ट्री के। तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं हिस्ट्री के। जैसे आपका पहला ही क्वेश्चन है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो न्यूज़पेपर था इसकी स्थापना किसने की और कहाँ पर करी? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, इन्होंने 1905 में लंदन में की थी इसकी स्थापना, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ओके, दूसरा है आपका वंदे मातरम, वंदे मातरम की स्थापना करी थी पेरिस में, किसने की थी? मैडम कामा ने की थी, मैडम कामा जी ने की थी 1909 में। फिर है आपका तलवार, तलवार की जो स्थापना करी थी ये बर्लिन में की थी, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने की थी। तलवार न्यूज़पेपर की स्थापना बर्लिन में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय द्वारा। और आपका जो गदर न्यूज़पेपर था इसकी स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, और इसके बारे में आपको पता ही है, ये जो है लाला हरदनाथ और मोहन सिंह भाकना और भी इसमें 2-3 लोग थे सैन फ्रांसिस्को में 1913-14 के अराउंड में हुई थी। और फिर ये बीच में कुछ क्वेश्चन है, यूनिसेफ है, यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में, और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपकी न्यूयॉर्क में है, और ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनाइटेड नेशन की। सॉरी थोड़ा गलत बोल दिया, यूनिसेफ की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपकी यूनाइटेड नेशन, ऐसे बोलना था मैंने, मीन्स यूनाइटेड नेशन की सब्सिडी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनिसेफ। और नीचे अब हिस्ट्री के मेन क्वेश्चन जो है, सर जॉर्ज बालो जो रहे आपके 1805 से 1807 तक, इन्होंने जो है 1807 में दासों के व्यापार पर रोक लगा दी थी, ठीक है? तो क्वेश्चन आएगा कि दासों के व्यापार पर किसने रोक लगाई थी, तो ये इसका आंसर होगा सर जॉर्ज बालो। और सन 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि भाई इंडिया में जो है ब्रिटिश टाइम में सबसे पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी? तो 1835 में हुई थी और कोलकाता में हुई थी, और किसने की थी? तो ये की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है जी। और आगे आपके हैं ये थोड़ा सा साफ नजर आ रहा है, 1822 में बंगाल में टेनेंसी एक्ट, इसको टेनेंसी एक्ट को बोलते हैं, काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया, किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1822 में टेनेंसी एक्ट लागू किया, जिसको हिंदी बोलते हैं काश्तकारी अधिनियम, ठीक है जी। और क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये जो है लॉर्ड हार्डिंग्स प्रथम जो 1844 से 1848 तक थे, इन्होंने जो है नरबलि पर प्रतिबंध लगाया था। तो लॉर्ड हार्डिंग्स प्रथम जो थे जिनका ड्यूरेशन था 1844 से 1848 तक, इन्होंने नरबलि पर प्रतिबंध लगाया था। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नरबलि पर प्रतिबंध किसने लगाया था? आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग्स फर्स्ट। और ये कब से कब तक थे? ये 1844 से 1848 तक थे। धन्यवाद। अब आगे हम पढ़ते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी जो है आपके 1848 से 1856 तक रहे, इन्होंने जो 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की थी। इनाम कमीशन का जो मेन पर्पस था, जो भूमि रहित जागीरें थी ना उनका पता करके उन्हें छीनना, तो इस उद्देश्य के लिए इन्होंने जो है इनाम कमीशन की स्थापना की थी। इनाम कमीशन की स्थापना क्यों की थी और कब की थी और किसके द्वारा की गई थी? तो इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी 1852 में की गई थी, और ये जो भूमि रहित जागीरों का पता करने के लिए इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी। और आगे आपके जी सुब्रमण्यम जो है, जी सुब्रमण्यम अय्यर जो थे ये द हिंदू और स्वदेश प्रिय स्वदेश मित्रण के संस्थापक थे। क्या के संस्थापक थे? द हिंदू और स्वदेश मित्रण के संस्थापक थे सुब्रमण्यम अय्यर, जो आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है द हिंदू। सारे सिविल सर्विस एस्पिरेंट द हिंदू न्यूज़पेपर को ही पढ़ते हैं आज के टाइम में। तो फिर जो बंगाली करके एक न्यूज़पेपर था या जो भी था पत्रिका थी, तो इसकी स्थापना करी थी आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ठीक है। फिर आपका यह है शिशिर कुमार घोष है ना, और जो मोतीलाल घोष है, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। किसकी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी उन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब अगले पेज पर चलते हैं, आपका जो संथाल विद्रोह था जो 1855 और 1856 में राजमहल की पहाड़ियों पर हुआ था ये, और इसको करने वाले थे सिद्धू और कानू, इसके जो प्रमुख नेता थे, इन्होंने ये संथाल विद्रोह को लीड किया था, सिद्धू और कानू ने किया था संथाल विद्रोह का को लीड 1855-56 में, कहाँ पर? राजमहल की पहाड़ियों पर। ये कहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ? आपके बिहार में, बिहार के आसपास के इलाकों में, आई थिंक बिहार में ही होगी। फिर आपका था खौंड विद्रोह, खौंड विद्रोह कब से कब? 1837 से 1856 के बीच में, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में चक्रबिसोई इस विद्रोह का प्रमुख नेता था। तो इसके जो मेन जो लीडर थे चक्रबिसोई थे। चक्रबिसोई किस विद्रोह के नेता थे? तो चक्रबिसोई आपके खौंड विद्रोह के नेता थे, और खौंड विद्रोह कब से कब तक रहा? 1837 से 1856 तक रहा। और ये कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, खौंड विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका सन्यासी विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह कब से कब तक? 1763 से लेकर 1800 तक इसकी ड्यूरेशन रही है, जो बिहार और बंगाल के बीच में रहा सन्यासी विद्रोह, ठीक है। और मजनून शाह और मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी इसके प्रमुख नेता थे, है ना। कौन कौन देश के प्रमुख नेता? मजनून शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी सन्यासी विद्रोह के इंपॉर्टेंट और मेन मतलब लीडर थे, मेन नेता थे, ठीक है। फिर यहाँ पर मुंडा है ना, फिर यहाँ पर मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह क्या है? मुंडा विद्रोह रहा आपका 1899 से 1900 के बीच में जो है मुंडा विद्रोह रहा, है ना। मुंडाओं द्वारा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, मुंडाओं द्वारा मुंडा ट्राइब है ना, इनके द्वारा बिरसा मुंडा जो लीडर थे इनके नेतृत्व में जो है रांची के दक्षिण में, ठीक है, मुंडा के नेतृत्व में रांची के दक्षिण। आइए हम अब संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। 1855 से 1856 के बीच में राजमहल की पहाड़ियों पर सिद्धू और कानू ने इस विद्रोह का संचालन किया था, है ना। और सिद्धू और कानू इसके प्रमुख नेता थे, जो आपका ये संथाल विद्रोह, ठीक है। फिर उसके बाद आपका खौंड विद्रोह जो 1837 से 1856 तक रहा, जो आपके उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में रहा है, और इसको लीड किया था चक्रबिसोई ने। चक्रबिसोई इसके प्रमुख नेता थे। चक्रबिसोई किस आंदोलन के नेता थे? चक्रबिसोई खौंड विद्रोह के नेता थे। खौंड विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? चक्रबिसोई। और खौंड विद्रोह का हुआ 1837 से 1856 के बीच में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है। फिर आपका सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से 1800 तक रहा है, और यह बंगाल और बिहार में, बिहार के बीच में रहा है, मतलब इन इलाकों में रहा, मतलब बिहार और बंगाल के इलाकों में रहा है। इसके जो मुख्य नेता थे, मतलब प्रमुख नेता थे, मजनून शाह थे और मूसा शाह थे और भवानी पाठक थे और देवी चौधरानी थे, चौधरानी, ये सभी इसके प्रमुख नेता थे सन्यासी विद्रोह के, ठीक है। फिर आपके मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह जो है ये जो इसको लीड किया था बिरसा मुंडा ने, कहाँ पर किया था? रांची के दक्षिण इलाके में। रांची के दक्षिण इलाके में जो है मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 और 1900 के बीच में, बाद में जो है बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर दिया था, ठीक है जी। और ये जो है आपके 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई,
कब सुनाई गई मंगल पांडे को फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है ना जी। और जो इंडियन पिनल कोड जो है इसकी स्थापना 1860 में हुई थी, ठीक है। फिर है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट जो लाया गया था ये 1861 में आया था, पहला इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1861 में आया था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स को समाप्त किया गया, कब डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स कब समाप्त हुआ, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, और इसको लागू किया था आपका लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स की नीति शुरू की थी। इसका जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स का मतलब है कि जिनके अपने बच्चे नहीं होते थे उनका राज्य छीन लेना, जैसे वो मर जाएंगे, जैसे मतलब वो राजा महाराजा लोग मृत्यु हो जाती है उसके बाद अगर उनका अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसको जो है इस नीति के तहत, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स की नीति के तहत जो लॉर्ड डलहौजी जो है उन इलाकों को छीन लेता था। आपको पता होगा जो 6-7 जगह जो है उनको मतलब इसने लॉर्ड डलहौजी ने छीन लिया था। और जो आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स की नीति जो लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने, इसके तहत इसने सबसे पहले जो छीना जो स्टेट छीनी उसका नाम था सतारा को 1848 में छीना गया, और उसके बाद जयपुर को, उसके बाद संबलपुर को 1849 में, फिर बघाट को 1850 में, फिर उदयपुर को 1852 में, फिर झांसी को 1853 में, फिर नागपुर को 1854 में, और सबसे लास्ट में अवध को 1856 में अनेक्स किया गया, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी है, ईजी ऐसा फॉर्मूला है, सजा सब उलझना नहीं, सजा सब उलझना नहीं, ये इस तरह से 100 से आपका सतारा, जैसे जयपुर, सबसे संबलपुर, और आगे भी बहुत है, बहुत से बघाट, उलझना मतलब उदयपुर है ना, ऊ से उदयपुर, जौ से झांसी, ना से नागपुर, उलझना उलझना ऊ उदयपुर, जौ झांसी, और ना से नागपुर, उलझना, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं आप, इसको बहुत ही आसान ट्रिक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ लिख कर। देखो ये बनाया मैंने ट्रिक, सजा सब उलझना नहीं अब, तो 100 से सतारा है, फिर जौ से जयपुर है, और फिर संबलपुर है बहुत से, सॉरी 100 से सतारा, जैसे जयपुर, और 100 से संबलपुर, और बहुत से बघाट है, उसे उदयपुर है ना जी, जौ से झांसी है, ना से नागपुर है, नहीं का कोई मतलब नहीं है, सेंटेंस बनाने के लिए, और अब से अवध है। तो देख लो सबसे पहले सतारा, सजय सब उलझना नहीं अब, तो देख लो ये है आपके 8 टोटल, पहले 1848 में, फिर 1850 में, 1850 में दो, और 1850 में संबलपुर तीसरा था, तो मैंने इनको दो ही दे दिया, दो और तीन है असल में, और चौथा 1850 में, फिर 1852 में, फिर 1853 में, फिर 1854 में, फिर 1856 में, तो इस तरह से बन गया आपकी ट्रिक। इसको रखना आपने याद, क्योंकि कई बार पूछते हैं कि अवध को कब अनेक्स, कब छीना गया, 1856 में छीना गया, कब नागपुर को छीना गया, कब उदयपुर जयपुर को छीना गया, तो इस तरह से कब उदयपुर को छीना गया, आप यही पूछते हैं कौन कौन से किसको नहीं छीना या किसको छीन लिया गया, तो ये सब कुछ पता होना चाहिए, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सजा सब उलझना नहीं अब, 100 से संबलपुर, सॉरी 100 से सतारा, पहले आना 100 से सतारा, फिर आना जैसे जयपुर, फिर आना 100 से संबलपुर, फिर आना बहुत से बघाट, फिर आना उसे उदयपुर है ना जी, फिर आना जो से झांसी, फिर आना 9 से नागपुर, 9 से नागपुर, और अब से अवध, ठीक है। और समझ गए होंगे आपके सामने ये टोटल 8 है ना जी, तो मतलब ऐसे कौन से दो स्टेट थे जो एक ही बार में अनेक्स किए गए, मतलब एक ही सन में, सेम सन में अनेक्स किए गए, 1849 में आपके दो किए गए, संबलपुर और जयपुर, ठीक है। 48 में एक ही हुआ जो आपका सतारा है, सतारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपुर है, संबलपुर है, बघाट है, उदयपुर है, नागपुर है, झांसी है, अवध है, तो ज़्यादातर आपके जो है ना मतलब महाराष्ट्र वाले एरिए के हैं ये, जैसे आपका महाराष्ट्र नागपुर उदयपुर है आपका संबलपुर, ये जो है सतारा वगैरह, ये सारे एक तरफ के झांसी भी है मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, बट ये थोड़ा बीच में है मध्य प्रदेश, तो इस तरह से है। इस पेज का ये लास्ट टॉपिक है, सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, ठीक है, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो सर जॉन जो लॉरेंस थे ना जी, सर जॉन लॉरेंस थे, ये जो है अफगानिस्तान के मामले में जो है ये न्यूट्रल रहे, उदासीन रहे, इन्होंने कोई पंगा नहीं लिया इनसे, ना कोई हस्तक्षेप किया अपने, इनको ऐसे छोड़ दिया, इनसे कोई पंगा नहीं किया, इससे पहले इनके एंग्लो अफगान वगैरह लड़ाई हुई है आपके सिंधु वगैरह बड़े इलाकों में, बहुत पंगे किए, बट जो सर जॉन लॉरेंस थे इन्होंने हस्तक्षेप नीति अपनाई थी इस कॉन्टेक्स्ट में, तो तभी इसको बोलते शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है, शानदार निष्क्रियता, ये न्यूट्रल रहे, इंडिफरेंट रहे, इस वाले ये मामले में।